हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो ये हमारा चैप्टर 5 है पॉलिटिकल साइंस का, और आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी जो है उसको दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। एक है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। जैसे सुरक्षा के नाम पे अगर हम देखें कि कोई कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री पर अगर अटैक कर देता है, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे ट्रेडिशनल नोशन में। अब जो ट्रेडिशनल है ना, उसको भी दो हिस्सों में बांटा है यहाँ पे। तो एक है आपका एक्सटर्नल पार्ट, मतलब आपका ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है, और इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सटर्नल के बारे में देख लेते हैं कि भाई बाहरी सुरक्षा क्या होती है और बाहर से हमें किस तरीके की जो सिक्योरिटी है उससे हमें थ्रेट मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इसके बारे में हम जान भी रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट निकल के आता है ट्रेडिशनल का, उसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी। यानी आपके देश की जो सुरक्षा होती है, जिसकी वजह से हर कंट्री में जो है ना आर्मी तैनात की जाती है, मिलिट्री बनाई जाती है। तो वो क्यों बनाई जाती है? ताकि कोई भी अदर कंट्री जो है हम पर अटैक ना कर सके। तो ट्रेडिशनल में सबसे पहली जो चीज आएगी ना, जिसके बारे में हम सिक्योरिटी को लेकर बात करेंगे, वो है नेशनल सिक्योरिटी, अपने देश की सुरक्षा, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एक सैन्य खतरा होता है ना, एक मिलिट्री जो थ्रेट होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, मतलब एक खतरनाक तरीका होता है। ये जो मिलिट्री थ्रेट है ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस माना गया है, क्योंकि वो क्या करता है, किसी भी कंट्री की जो कोर वैल्यूज होती है ना, उनको खत्म करता है। यानी किसी भी देश की जो नींव होती है, जो उसका बेस होता है, उसको वो खत्म करता है, जो मिलिट्री थ्रेट होता है, आर्मी थ्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी कंट्री की सॉवरेंटी है ना, उसकी इंडिपेंडेंस है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसको भी यहाँ पे खतरा रहता है। ठीक है, तो सॉवरेंटी क्या है? अपने जो देश की संप्रभुता होती है, भाई हम अपने देश में क्या है, अपने खुद के मालिक है ना, अपने देश के जो डिसीजंस है हम खुद लेते हैं, तो ये उसको अफेक्ट करता है, उसके देश की इंडिपेंडेंस, उसकी आजादी को अफेक्ट करता है, और उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी अफेक्ट करता है, जो मिलिट्री थ्रेट होता है, जिसको हम किस में डालेंगे? ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के एक्सटर्नल पार्ट में डालेंगे। एक्सटर्नल क्यों डाला है स्टूडेंट? क्योंकि जो मिलिट्री थ्रेट होता है ना, वो अपने देश के अंदर ही नहीं लड़ रहे होते हैं। मिलिट्री कभी आपने देखी है कि हमारे देश के अंदर ही एक स्टेट जो दूसरे स्टेट के साथ लड़ रहा है तो मिलिट्री से लड़ रहा है? ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। जो आपके देश के अंदर होती है, उसके लिए यहाँ पे पुलिस तैनात होती है, लेकिन जो देश की सुरक्षा जो बाहरी चीजों से की जाती है ना, उसके लिए मिलिट्री तैनात होती है, जो डिफेंस होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई इसके बारे में। आगे हम देखते हैं कि देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर मिलिट्री लड़ रही है तो सिर्फ मिलिट्री के लोग ही उसमें मारे जाते हैं। ठीक है, हाँ समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऑपरेशन वगैरह के लिए वो काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहां पे वो लोग पर्टिकुलरली मारे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना लड़ रही है तो सेना के लोग ही मारे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आम जनता भी बहुत प्रभावित होती है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, वो थोड़ा ऐसा एरिया है, यहाँ पे अटैक्स होते रहते हैं, क्योंकि जो भी वॉर वगैरह लड़ी गई है मोस्टली टाइम वो जम्मू कश्मीर और आपका ये जो वेस्टर्न जो पार्ट है ना, वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अक्सर देखी जाती है। ठीक है, तो क्यों? वैसे तो खैर हमारी जो लड़ाई हुई है वो किससे हुई है? पाकिस्तान से ही हुई है ज्यादातर, है ना। 4 बार जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से ही हुई है। तो पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन इस साइड है और हमारी जो लोकेशन है वो इस साइड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमारी जो सेना है उसको यहाँ पे तैनात किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, जो एरिया पूरा पाकिस्तान का लगता है, तो यहाँ पे अगर लड़ाई हो रही है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी जो मिलिट्री है बस वही मारे जाएंगे या वही लड़ रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर ही सारे बॉम्बार्डिंग वगैरह आएंगी, है ना। बॉम्बार्डिंग किसी के ऊपर भी गिर सकती है, ऑर्डनरी लोग भी वहां पे प्रभावित हो सकते हैं, मर सकते हैं, घायल हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली जो लोग हैं उनको भी हर्ट और किल्ड किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो टारगेट बनाया जाता है किसी भी कंट्री को कमजोर करने के लिए, तो वहां पे ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन को
टारगेट बनाया जाता है, वहां की जनता को टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि ये जनता बहुत इनोसेंट होती है, ये निहत्थे होते हैं, कमजोर होते हैं, तो इनको टारगेट बना के जो किसी भी सरकार को झुकाने की कोशिश की जाती है, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, तो एक घटना के बारे में आपको बताती हूँ। 1999 में क्या हुआ था, एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट होती है, वो टेक ऑफ करती है काठमांडू नेपाल से दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट है उसको हाईजैक कर लिया जाता है। तो 5 जो मिलिटेंट थे तालिबान के, उन्होंने हमारे प्लेन को क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया था, जिसमें अप्रोक्स 180 समथिंग जो पैसेंजर्स हैं वो बैठे हुए थे। और उसको क्या है, जैसे वो काठमांडू से जो टेक ऑफ करती है उसके 40 मिनट के बाद ही उसको हाईजैक कर लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, हाईजैक होने के बाद भी हमारे इंडिया की टेरिटरी में ही कई जगह पे वो घूमती रहती है, लेकिन देखो हमारी जो सरकार है वो क्यों विवश होती है, क्योंकि उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं ना, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे ये जो मिलिटेंट होते हैं ये हमारे इंडिया की टेरिटरी में ही कई जगह उस फ्लाइट को घुमाते हैं, उसके बाद जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है वहां पे उसको ले जाते हैं, फिर लास्टली जो है जो कांधार है वहां पे उसको लैंड करते हैं। कांधार कहाँ पे है, ये काबुल अफगानिस्तान की तरफ मान लो, ठीक है। तो वहीं पे क्या है, इसको लैंड करते हैं। और सिर्फ किस लिए हाईजेक किया था, क्योंकि हमने क्या किया था, तालिबान के 3 मिलिटेंट को अरेस्ट कर रखा था, जिसमें जो पुलवामा अटैकर है ना, मेन जो मास्टरमाइंड जो बंदा है, आई थिंक मसूद अजहर करके कुछ नाम है उसका, तो वो जो बंदा है ना वो उसमें था। वो 3 जो मिलिटेंट हमारे पास थे, हमारी सेना के पास थे, तो उनके लिए इन्होंने हमारे प्लेन को हाईजैक किया, हमारी जो आम जनता उसमें बैठी हुई थी उनकी लाइफ को थ्रेट किया वहां पे, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे क्या करना पड़ा, उसको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ा, इन तीनों को छोड़ना पड़ा, किसके बदले, 180 लोगों के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सरकार है वो क्या हो गई, वो विवश हो गई, क्योंकि यहाँ पे दबाव पड़ रहा था, जो उनके फैमिली मेंबर्स थे बोल रहे थे कि भाई सेफली हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो हमको वापस चाहिए। तो यहाँ पे जो सरकार है वो विवश हो जाती है और इन तीनों लोगों को छोड़ देती है। अब पता है, इन तीनों लोगों को छोड़ तो देती है, लेकिन इनके बाद 180 की जगह इतने लोग मारे जाते हैं, मतलब 180 लोगों की जो जान है उसके बदले में ये इतने सारे कांड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2001 वाला जो इंडियन पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था, है ना, उसके मास्टरमाइंड भी यही था, ये मसूद अजहर। और उसके बाद क्या है, ये पठानकोट में जो अटैक हुआ, और लास्टली मेजर जो अटैक था ये मुंबई वाला, है ना, मुंबई के ताज होटल पे वहां पे जो अटैक हुआ, और फिर तो हदी गर्दी भैया पुलवामा अटैक में, तो इतने लोग इन्होंने मार दिए। तो यहाँ पे हमारी जो सरकार है, अगर देखा जाए, देखो आप अपनी भी राय रखा करो कि यहाँ पे अगर सरकार जो है 180 लोगों के बदले, मतलब 3 लोगों को छोड़ रही है, लेकिन इन 3 लोगों को छोड़ने के बाद जो ये अप्रोक्स 2000-3000 लोगों को मार रहे हैं, तो क्या ये सही था या ये सही था? 180 लोगों की जान जो है उसको दांव पे लगाना चाहिए था, या बाद में जो लोगों ने जो कांड किया है उसको लगाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यही एक थ्रेट का मामला हो जाता है स्टूडेंट। उस समय पे हमारी सरकार को लगा कि भाई इनको बचाने के लिए हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाद का जो रिजल्ट था ना वो पता था, हमारी सरकार को भी पता था। देखो ये सब पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो सरकार जो है जनता के अगेंस्ट नहीं जा पाती है, तो इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, इनको छोड़ दिया। और ये किसके सपोर्ट से हुआ था ये तालिबानी जो अटैक है ना, बिना ISI के सपोर्ट के बिना तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक घटना है, यहाँ पे मैंने आपको ये छोटी सी घटना इसलिए बताई है ताकि आपको पता लगे कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट जो है ये कितना खतरनाक होता है, यहाँ पे किसी भी सरकार को तोड़ने के लिए ये बहुत होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे किसी भी सरकार के पास जो युद्ध की स्थिति होती है ना, जो युद्ध होता है, युद्ध के कारण क्या है, तो उसके 3 बेसिक चॉइसेस होती हैं। पहली क्या होती है, टू सरेंडर, या तो पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दो, मतलब कि भाई हम तो लड़ने के मतलब लायक ही नहीं है, हम लड़ नहीं पाएंगे, आप बड़ी ताकत हो, हम छोटी ताकत है, हम नहीं लड़ पाएंगे, तो इसीलिए पहले ही सरेंडर कर दो। तो मतलब पूरी तरीके से क्या कर दो, सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, ये हो गया एक पहला तरीका युद्ध को रोकने का। दूसरा है टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि बिना युद्ध किए, यानी लड़ाई ना हो, लेकिन जैसे लड़ाई होने के बाद क्या होगा, लड़ाई होने से पहले क्या होगा, वो सारी जितनी भी आशंकाएं हैं ना वो जता देना कि भाई देखो इतना सारा जो नुकसान हो जाएगा, इतने लोग मारे जाएंगे, है ना, फालतू में ये लड़ाई वड़ाई से में कुछ नहीं रखा है। तो कहने का है
यहाँ पे जो परिणाम है वो बता देना, उनको डिस्क्लोज कर देना, उनको जाहिर कर देना, और फिर उसकी वजह से क्या है यहाँ पे जो लड़ाई है वो मतलब जो जैसे परिणाम ले लो, चाहे अपनी ताकत ले लो कि भाई हमारे पास इतने न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास इतने आर्म्स एंड अमुनिशंस है ना, अगर आपने अटैक किया तो देख लो फिर इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, एक तरीके से धमकी देके जो युद्ध को रोका जाता है। देखो युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन युद्ध से पहले जो चेतावनी होती है ना, वो जो तरीका होता है वो यहाँ पे सेकेंड टाइप का तरीका है स्टूडेंट। और थर्ड क्या है कि भाई यहाँ पे लास्टली आप क्या करो, अपने आप को इतना ताकतवर बना लो कि सामने वाला जो है उसको आपके सामने झुकना ही पड़े। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बना लो, इतना पावरफुल बना लो अमेरिका की तरह कि भाई अगर दूसरा जो कंट्री है अगर आपके साथ लड़ने की सोचे, वो तो पहले ही सोच ले कि हमारी तो हारी होने वाली है। तो आप इतने ताकतवर होने चाहिए कि आपसे कोई हिम्मत ही ना कर पाए, आपसे पहले ही डर जाए, है ना। तो 3 स्टेप्स हमने क्या पढ़े स्टूडेंट, पहला है कि भाई आप कमजोर की तरह पहले आत्मसमर्पण वर्क कर दो कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो सरेंडर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, चेतावनी दो, देख भैया तूने अगर लड़ाई करी ना तो ये सारी चीजें जो है इसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे, ये सारी चीजें, मतलब एक तरीके से उसको धमकाना, ठीक है, कि ये सारी जो चीजें हैं हमारे पास है, हम भी इतने पावरफुल हैं, ठीक है, तो ऐसे करके। और उसके थर्ड वाला जो है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि जो सामने वाला बंदा है वो 10 बार सोच रहा है आपसे लड़ने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 चीजें होती है ना, यही क्या होते हैं युद्ध को रोकने के लिए, मतलब किसी भी सरकार के पास ना युद्ध की स्थिति को रोकने के लिए यहाँ पे ये 3 विकल्प होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आत्मसमर्पण कर देती है ना सरकार, देखो समर्पण का मतलब है कि सरेंडर कर देना। कभी कभी क्या होता है कि हम शांति यानी पीस को मेंटेन करने के लिए भी सरेंडर कर देते हैं कि देखो भाई लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है, जो जो भी बातचीत है, जो भी समझौता वगैरह है वो आपस में कर लेते हैं और बात को जो है सुलझा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये सरेंडर वाली जो चीज होती है, ये सरकार कभी भी अपनी पॉलिसीज में इसको डिस्क्लोज नहीं करती है कि भाई ये हमने सरेंडर कर दिया, क्योंकि जनता या आपकी जो सिटीजन है उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा देश जो कमजोर है इसी वजह से सरेंडर कर रहा है, तो इसको ये कभी भी एडवर्टाइज नहीं करती है अपनी पॉलिसीज में, अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज है इसमें कभी भी एडवर्टाइज नहीं करती है सरेंडर जैसे वर्ड को, चाहे भले ही सरेंडर कर दिया लेकिन सरेंडर को यहाँ पे अपनी जनता के सामने नहीं लेकर आएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वॉर को प्रिवेंट करने के लिए जो जो तकनीकें अपनाई जाती हैं उसको यहाँ पे टर्म दिया गया है जिसको बोला जाता है डेटरेंस। आपको याद रखना है ये 2 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय डेटरेंस, तो जिसको हिंदी में जो है हम अपरोध भी बोलते हैं कि कैसे उसको रोका जाए। तो वॉर को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, देखो वॉर वगैरह में कुछ रखा नहीं है, बस जस्ट अपनी ये शान दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए यहाँ पे कंट्रीज जो है वो युद्ध करते हैं। अभी जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रशिया ने यूक्रेन का, तो ये क्या है वॉर को बढ़ा ही तो रहा है, 2.5 साल करीब होने को आ रहा है यहाँ पे वॉर कंटिन्यूअस है, तो क्या मिल रहा है इन लोगों को यहाँ पे, एक तरीके से दोनों के जो रिसोर्सेस हैं वही बर्बाद हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, जनता मारी जा रही है, डिफेंस के जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये सोचना चाहिए वैसे जो कंट्रीज है। उसके बाद क्या है, आप डेटरेंस की हमने बात की, तो पहले यहाँ पे डेटरेंस को ही यूज करेंगे। डेटरेंस के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 उपाय होते हैं एक तरीके से, कि किस तरीके से वॉर को प्रिवेंट करने के लिए जो जो भी हथकंडे अपनाए जाएं वो सबसे बेस्ट होते हैं, उसी चीज को हम डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने वॉर को रोक दिया, अगर आपने वॉर को होने से रोक दिया तो आपने अपने आप को डिफेंस कर लिया। ये ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी होती है ना, इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला कॉम्पोनेंट क्या है स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, ये है डेटरेंस, ठीक है। तो इस डेटरेंस के अंदर आपको जो 3 मैंने विकल्प बताए हैं वो डाल देना। उसके बाद सेकंड आता है डिफेंस। अब डेटरेंस हो गया है तो यहाँ पे डिफेंस अपने आप ऑलरेडी हो जाएगा, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी रक्षा करना, यही डिफेंस के अंडर में आ जाएगा। थर्ड जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, किसके बारे में करेंगे, ये करेंगे बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। जैसे क्या है, अभी फॉर एग्जाम्पल देखें तो जैसे इंडिया है, इसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वो कोई छोटा कंट्री है, कोई बड़ा कंट्री है। तो जैसे भूटान को ले लो, ये एक छोटा कंट्री है, बांग्लादेश को ले लो हमसे छोटा है, श्रीलंका ले लो हमसे छोटा है ना, पाकिस्तान भी हमसे छोटा है, लेकिन अगर आप चाइना को देखोगे तो ये हमसे बड़ा है। तो कोई भी जो कंट्री होता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आसपास जो भी कंट्रीज होते हैं तो वो कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। अब छोटा और बड़ा होने से यहाँ पे क्या होता है, हमें ये भी देखना है कि इन छोटे बड़े कंट्रीज में कौन सा कंट्री जो है वो ताकतवर भी है साथ में, ठीक है। तो जैसे चाइना है, अब चाइना है एक बड़ा कंट्री है, उसकी इकोनॉमी भी बहुत तगड़ी है, उसकी मिलिट्री भी अच्छी है, उसके पास सारी चीजें बहुत ज्यादा है, तो इससे हमको एक थ्रेट हो सकता है और हुआ भी है। 1962 में हमारी वॉर हुई थी चाइना के साथ,
कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो कंट्रीज होते हैं उनसे हमें कौन कौन से कंट्रीज से हमें थ्रेट हो सकता है, जो हमारे पड़ोसी कंट्री होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो हम पे मतलब हम पे अटैक ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में ये जरूर रहना चाहिए, हमारे हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर जरूर रहनी चाहिए अपने कंट्री को दिखाने के लिए, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि अगर भाई तुम लोगों ने हम पर अटैक किया तो हम भी तुमको ऐसे काउंटर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे अगर आप अपनी शक्ति बढ़ा के रखोगे, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा के रखोगे, है ना, अपने जो न्यूक्लियर पावर बढ़ा के रखोगे, जो भी डिफेंस की जो पावर होती है, जो भी अंडर उसमें आर्म्स एमिनेशन वगैरह जो भी चीजें आती हैं, वो आपको यहाँ पे बढ़ा के रखनी पड़ेंगी सामने वाली कंट्री से, ताकि वो आपसे एक मतलब इसमें ये रहेगा कि भाई मैं मेरे को इसे वॉर नहीं करनी है क्योंकि इसके पास जो है मेरे से ज्यादा हथियार है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे क्या है हम जो है बैलेंस ऑफ पावर में बोल देंगे। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यही है कि जो बड़ा कंट्री है कोई उसके डोमिनेशन में ना रहे, इसीलिए आप अपनी बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको बना के रखिए। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट को, हमें ऐसा अपने आप को ताकतवर दिखाना है और ये भी भांपना है कि भविष्य में कौन सा कंट्री जो है हमारे लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है, हमारे लिए थ्रेट पैदा कर सकता है। ठीक है, कोई हमलावर ना बने इसलिए हमें अपनी पावर को मेंटेन करके रखना है। इसके लिए हमारी जो सरकार होती है वो मतलब अपनी जो पावर है उसको हर जगह शो करने की कोशिश करती है, अपना पल्ला जो है हर जगह भारी रखने की कोशिश करती है, ताकि देखो ये इंटरनेशनल एक तरीके से ये मान लो कि ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंडर में आता है। अपनी अगर आपने पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर बना के रखी कि भाई हमारे अभी जैसे इंडिया है वो अपनी पावर बना के रखा हुआ है, तो इससे क्या है कोई भी जो कंट्री है वो पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही सक्षम कंट्री हो चुका है आज की डेट में, चाहे मिलिट्री को ले लो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो वो हमारे पास है। तो जैसे पाकिस्तान है, चाहे भले ही उसके पास हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन वो हम पर अटैक करने की कोशिश नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो हमसे हारेगा, हर बार हारा है। ठीक है, तो हमारी जो सरकारें हैं वो काफी हार्ड वर्क करती हैं अपना जो फेवरेबल बैलेंस बनाने की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, अपनी जो पावर उसको शो करने की कोशिश करती है। यहाँ पे सरकारें हर तरीके का प्रयास करती है ताकि यहाँ पे हमारा जो कंट्री है वो सबकी नजरों में रहे कि हाँ भाई ये कंट्री भी पावरफुल है, इसे बेवजह पंगा नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट्स, और जिनके साथ जो है हमेशा अनबन रहती हो और जिन देशों के साथ जो अतीत में भी लड़ाई हो चुकी हो ना स्टूडेंट, तो उसके लिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर को बनाने के लिए जो चीजें जरूरी है ना वो है हमारी इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजिकल पावर। ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपनी पावर दिखाने के लिए, आपको इकोनॉमिकली बूस्ट रहना पड़ेगा, इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके देश की जीडीपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो अपनी मिलिट्री में जो चीजें हैं वो बढ़ा सके, है ना, चीजों को खरीद सके या बना सके, जो भी है। अभी जैसे हमारे इंडिया का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, तो उसमें कई सारी जो चीजें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं, अभी हम खुद बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे आर्म्स एमिनेशन की बनाने लग गए हैं। तो ये क्या है हमारे किस लिए हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो गई है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हम टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए हैं। ठीक है, हम जो टेक्नोलॉजिकल ट्रीटीज जो है वो भी कर पा रहे हैं अच्छे से, तो ये भी एक पार्ट होता है आपकी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए। उसके बाद लास्टली हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्पोनेंट जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, वो है अलायंस बिल्डिंग। ठीक है, अलायंस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे गठबंधन बनाना है। अब ये गठबंधन जो है ये क्यों बनाना है, इसका कारण ये है स्टूडेंट कि आपको अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब है कि आप जैसे क्या है आपकी जैसे और भी जो कंट्रीज हैं उनके साथ अगर आप गठबंधन कर लेते हो तो किसी बड़ी ताकत के सामने आप टिक सकते हो, अगर आप अलायंस बिल्डिंग कर लेते हो। ठीक है, ये कब किया जाता है, ये लास्ट इसलिए है ताकि जो बाकी की चीजें जैसे डिफेंस भी आप नहीं कर पा रहे हो, डिफेंस भी आप नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस ऑफ पावर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे लास्ट में आपको अलायंस बिल्डिंग का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे कंट्रीज का यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि आप एक पावरफुल कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन में या उनके एसोसिएशन में आप आ सको। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलायंस बिल्डिंग हो गया। इसका फोर्थ कॉम्पोनेंट है ये किसका है, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे अलायंस बिल्डिंग हो गई, गठबंधन, जैसे गठबंधन की सरकारें बनाई जाती है ना किसी भी दूसरी सरकार को हराने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में ही ले लो, है ना, बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जैसे कांग्रेस ले लो उसके साथ सपा है, बसपा है, बहुत सारे ऐसे पार्टीज मिलके गठबंधन की सरकार बना लें और यहाँ पे बीजेपी को हरा दें, क्योंकि बीजेपी क्या है एक बहुत रूलिंग पार्टी है, बहुत पावरफुल पार्टी है, तो इसको हराने के लिए यहाँ पे अलायंस किया जाता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अपनी मिलिट्री के बारे में बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। तो ये जो डेटर और डिफेंड जो किया जाता है ना, ये मिलिट्री जो अटैक्स के लिए किया जाता है, ताकि हम जो किसी शक्तिशाली जो कंट्री है जो हम पर अटैक करने वाला है उसकी अटैक से हम बच सके, है ना। तो मिलिट्री अटैक से बचने के लिए यहाँ पे जो है हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए, डिटर करने के लिए ये अलायंस बिल्डिंग को करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो ये क्या है, एक समझौते की तरह किया जाता है कि भाई हमने किसी की ट्रीटी साइन कर लिया, हम गठबंधन में बंध गए हैं, अब हम आपके साथ हैं, हमने आपके साथ क्या कर लिया है, अलायंस कर लिया है। तो ये क्या होते हैं, रिटर्न प्रूफ होता है ये कि भाई आपने किस किस के साथ पार्टनरशिप की है या किस किस के साथ आप ज्वाइन हुए हो, ठीक है। तो ये एक फेयरली एंड क्लियर इंडिकेशन है कि ये थ्रेट से बचने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये थ्रेट जो है ये कौन सा कंट्री करेगा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे इनको डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पे आप मान के चलो, देखो नाटो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो एक, ठीक है। तो उसके अंदर आज की डेट में, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके हिसाब से, यहाँ पे लेटेस्ट जो एक नया कंट्री ऐड हुआ है 32 नंबर का, वो है स्वीडन। तो आज की डेट में नाटो जो है ना, ये 32 कंट्री का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ये। तो ये मान लो पूरे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो नाटो है, और इसी के इसको लीड कौन कर रहा है, इसको लीड कर रहा है अमेरिका, यूएसए, ठीक है ना। तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है कि अगर आपने इन 32 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने आपके ऊपर अटैक कर दिया 32 में से, तो वो सबके लिए थ्रेट हो जाएगा, सब लड़ने के लिए आ जाएंगे। ये होता है फायदा अलायंस बनाने का, ठीक है। या फिर आपको जो लीड कर रहा है, अगर उसकी किसी से दुश्मनी है तो वो आपको ऑर्डर देगा कि भैया हमारे पे अटैक करने की संभावना, वैसे तो खैर किसी की हिम्मत नहीं है अमेरिका पे ऐसे अटैक करने की एक रशिया के अलावा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाटो जो है ये बनाया ही इसलिए गया है कि कोई हमको थ्रेट ना कर पाए, अमेरिका नहीं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए यह यहाँ पे बनाया गया है, पूरे वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेशन बनाए रखने के लिए, हेजमन बनाने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये एक इफेक्टिव पावर है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, ये अलायंस बनाते ही क्यों है, अपनी पावर को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, है ना, ताकि जो दूसरे कंट्रीज का जो खतरा है वो हम पे कैसे भी ना मर रहा। और यहाँ पे देखो समय समय के साथ ना यहाँ पे इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। अगर नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है अलायंस बनाने से, तो हम अलायंस में नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अमेरिका का कि एक समय पे यहाँ पे अमेरिका ने जो है अलकायदा को सपोर्ट किया था 1980s में। अलकायदा का हेड कौन है, उसामा बिन लादेन, ठीक है। तो उसको यहाँ पे इसने क्या किया था, सपोर्ट किया था, किसके खिलाफ किया था, यूएसएसआर के खिलाफ किया था। भाई यूएसएसआर से तो उसकी बनी नहीं है ना, हमने कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है वो शायद अभी तो खैर डिलीट हो गया है, लेकिन कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है ना उसमें दिखाया गया है कि क्या क्या कंडीशंस जो है बनी थी ना वॉर होने की, और यहाँ पे जो अमेरिका है वो कैसे अपनी एक हेजमन पावर बनाने के लिए यूएसएसआर को एक कैपिटलिस्ट थ्योरी के माध्यम से उसको नीचे गिराता है, ठीक है, कम्युनिस्ट को नीचे गिराता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारा सेकंड जो चैप्टर है ना, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वीडियो को जरूर देखना स्टूडेंट। तो ये मैं बात कर रही थी यहाँ पे अलकायदा की, कि अमेरिका का जब इंटरेस्ट था, अमेरिका को जब फायदा था, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस्लामिक मिलिटेंट को सपोर्ट किया जो अफगानिस्तान में है, ठीक है। लेकिन जब इसी इस्लामिक मिलिटेंट ने 2001 में अमेरिका पर जब अटैक कर दिया, तो यहाँ पे भैया ये इसने स्ट्राइक चला दी, टेररिस्ट स्ट्राइक चला दी, किसने, अमेरिका ने, कि तुमने हम पर कैसे अटैक कर दिया, हमने तुम्हें बोला है किसी और पर अटैक करने के लिए, पर तुमने तो हम पर ही अटैक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंट्री जिस चीज को सपोर्ट कर रहा था पहले, अब यहाँ पे उसका मतलब निकला, मतलब उसी के ऊपर वो थ्रेट हो गया, तो यहाँ पे उसी चीज की वो खिलाफ भी हो गया। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो आंखें जो अमेरिका की तभी खुलती हैं जब इसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया जाता है, और यहाँ पे 2001 की घटना के बाद अमेरिका को पता लगता है कि टेररिज्म कितना खतरनाक है, ठीक है। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल में अगर हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा जो थ्रेट होता है वो बाहर का ही थ्रेट होता है, एक्सटर्नल थ्रेट होता है, क्योंकि इस पे क्या है ना, कोई मतलब अंकुश नहीं होता, कोई पाबंदी नहीं होती है। कब अभी कोई कंट्री आपका फ्रेंड है एक समय पे, कब वो आपका दुश्मन बन जाए आपको भी नहीं पता लगेगा। इसके लिए यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हैं कि भैया इनके साथ हमारी दुश्मनी कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो बाहरी बाहरी जो दुनिया है, अपने देश के अलावा जो दुनिया है, जो आउटसाइड ऑफ इट्स बॉर्डर है ना, वही आपके लिए सबसे ज्यादा थ्रेट यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, ये वर्ल्ड जो है एक ब्रूटल एरिना की तरह है, यहाँ पे आपका कोई कभी सगा
फ्रेंड नहीं बन सकता है, सगा संबंधी नहीं बन सकता है हमेशा के लिए, कि वो कभी भी आपको थ्रेट ना पहुंचाए। आप मतलब आप श्योर नहीं रह सकते इसमें कभी भी, ठीक है। विद इन अ कंट्री अगर कोई वायलेंस हो रहा है, अगर कंट्री के अंदर कोई हिंसा हो रही है आपके देश में, जैसे हमारा इंडिया है, अगर हमारे इंडिया की जो स्टेट्स हैं अगर उनमें कोई हिंसा हो रही है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक अथॉरिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे देश के अंदर जो चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर देश के बाहर जो चीजें हो रही हैं इन द सेंस कि, तो उसके लिए हमारी मिलिट्री तो तैनात है, पर आप क्या इस चीज की गारंटी ले सकते हो कि वो कंट्री, बाहर के जो कंट्री हैं, वो आपको थ्रेट नहीं दे सकते। अगर काम पड़ा ना, कभी भी जरूरत पड़ी है, उन्होंने किसी के साथ अलायंस कर दिया और वो आपके फ्रेंड रहे हैं एक समय पे, तो वो आपको भी थ्रेट कर सकते हैं, आप पर भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बाहरी जो हमारी एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसके लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि ये हम पर अटैक नहीं करेगा करके। तो इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं है। वैसे बोला जाता है कि यूएन एक सेंट्रल अथॉरिटी है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको बताया ना, बोला जाता है, बोला जाता है मतलब नाम के लिए है, बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे को लेके जा सकते हैं, यहाँ पे सारे इश्यूज वगैरह जो है डिस्कस किए जाते हैं, यहाँ पे वॉर को रोकने की हर संभव प्रयास किया जाता है। लेकिन एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसपे हम आंख बंद करके भरोसा कर लें कि नहीं भाई ये हम मतलब कोई कंट्री जो है इसके रहते हुए हमें थ्रेट ना कर सके। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि भाई इसके जो क्रिएटर्स ऑफ इट्स मेंबर्स है ना, यानी इसके खुद के जो कंट्री हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो उनका मतलब उनके अंडर में ही काम करता है यूएन। यूएन कोई अलग से बॉडी नहीं है, इन्हीं कंट्रीज में से निकल के बने हुए जो लोग हैं, इन्हीं के जो मेंबर्स हैं जो बन के आए हैं वहां पे अलग अलग पोस्टों पर काम कर रहे हैं, तो वही लोग संभाल रहे हैं, वो इन्हीं कंट्रीज से ही हैं, है ना। तो मोस्टली जो है आपको देखने को मिलेंगे अमेरिका के मेंबर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं यूएन के अंडर में, तो अमेरिका के हित के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अब अमेरिका के किसी से दुश्मनी है तो उसके साथ हम ना वो उसके हित के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे यही चीज है। तो मेंबरशिप जो है ये क्या करती है, डोमिनेट कर देती है यूएन को काम करने से। तो इसीलिए भैया सीधी सी बात है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है, अपने देश की रक्षा जो है आपको खुद करनी है। इसका कोई लालच नहीं करना है कि कोई कंट्री जो है वो आपकी हेल्प करेगा, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हाँ वैसे हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी पे भी, आपको खुद इतना सक्षम रहना है, अपने कंट्री के जो पावर है उसको इतना बढ़ा लेना है कि मतलब आपको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना फ्रेंड की इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं, मतलब इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर आपका काम बन रहा है किसी कंट्री से फ्रेंड्स फ्रेंडशिप में रहने से, अगर आपका काम बन रहा है तो वो बिल्कुल आपके फ्रेंड बन जाएंगे। देखो एक समय पे अमेरिका जो है हमारे अगेंस्ट में था, अमेरिका हमारा फ्रेंड बना हुआ है, लेकिन यूएसएसआर जो है हमारा फ्रेंड पहले भी था और आज भी है, है ना। तो चाइना जो है इससे हमारी जो हमेशा से दुश्मनी रही है, अब आज भी है। कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें जो है यहाँ पे बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में पूरा क्या देखा स्टूडेंट, जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है ना, जो एक्सटर्नल वाली है, वो सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। आपका इंटरनल में आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन आपके खिलाफ जो है क्या साजिश रच रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने जो है यहाँ पे इसको कवर कर लिया है, और यहाँ पे जो मेन कॉम्पोनेंट्स पे आपको ध्यान देना है कि इसमें हमने क्या देखा, ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, ये कितनी थ्रेटनिंग होती है, इसके 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए क्या है, डेटरेंस है, डिफेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, एंड अलायंस बिल्डिंग है। ये क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर में, आपको इसके लिए एक फ्रेम कर लेना है इसका आंसर कि आप राइटिंग क्या करोगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक होता है फिनिश। तो वीडियो खत्म होने से पहले इस कार्टून को देख लेते हैं हम लोग। देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 तरीके के ग्रुप बने हुए हैं, एक जो है ये वाला ग्रुप है और एक जो है ये वाला ग्रुप है, ठीक है। ये जो नई कंट्रीज है ना, ये एमर्ज हो रहे हैं न्यूक्लियर पावर को लेकर, और यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी इनके पास पावर है, ठीक है। लेकिन आप क्या है, इनमें से कुछ कंट्रीज के ऊपर तो बिलीव कर सकते हो कि हाँ भाई ये न्यूक्लियर पावर का जो यूज है वो किसी विध्वंस के लिए या किसी नेगेटिव चीजों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन इन पर नहीं कर सकते। मतलब न्यूक्लियर पावर जिन कंट्रीज के ऊपर, जिन कंट्रीज के पास है ना, उनमें से कुछ ही कंट्रीज के ऊपर आप जो है विश्वास कर सकते हो, कुछ पे नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है नॉर्थ कोरिया, कर सकते हो क्या भाई? जो किम जोंग है ये बिल्कुल साइको टाइप का आदमी है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ईरान वगैरह है, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये कुछ कंट्रीज है इन्होंने तो एनपीटी वगैरह साइन कर रखी है अमेरिका ने, यूएसएसआर वगैरह ने, तो ये तो यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे बेस्ट इंडिया का,
इंडिया जो है ये न्यूक्लियर पावर को यूज करता है, लेकिन हम जो है वो सिर्फ अपनी पावर दर्शाने के लिए यूज कर रहे हैं कि हाँ भाई हम भी सक्षम है अपनी सिक्योरिटी करने के लिए। नहीं तो मोस्टली इंडिया क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर को यूज करता रहता है। तो हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम जो है मतलब किसी को भी थ्रेट में रखें कि भैया तुम पर न्यूक्लियर फोड़ देंगे। हम कभी भी, हमारा जो कंट्री है, हमारे जो लीडर्स हैं, कभी भी ऐसा बयान देते हुए नहीं मिलेंगे जैसे पाकिस्तान दे देता है कि भैया न्यूक्लियर अटैक कर देंगे करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंडिया नहीं करता है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो शांति बनाने की है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वॉर होती है तो वॉर से हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक तरीके से इनसिक्योरिटी मिलती है ना, डिस्ट्रक्शन मिलता है, और यहाँ पे बहुत लोगों की जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, यही सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, यही हमको वॉर में मिलते हैं और इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो होती है खत्म। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रखिए, बाय बाय।